हल्की लगाई हो ना। हैप्पी होली डैनी, सिंपल फोटो खींच लेंगे, फोटो खींच ले ला ला ला। अभी हम लोग फोटो खींच ले, फिर आराम से कर लियो। इधर आ, तुम्हारी गंदी आ रही है। कौन है वो? मेरे कपड़े रखे ऊपर टप में, टप में रखे कपड़े, जल्दी। वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। से कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो व्लॉग काफ़ी दिन से नहीं जा रहे हैं, मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है यहाँ पे व्लॉग बनाने का, और दिन मेरे ऐसे निकल रहे थे ना, तो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। आज मतलब होली के बाद मैं आज कैमरा उठाया शूट करने के लिए व्लॉग, नहीं तो नहीं। कल हम लोग गए थे एक फंक्शन में, नामकरण था, तो रात को हम लोग गए थे माता की चौकी और डिनर वगैरह सब कुछ था, तो वहाँ गए थे। वो भी मैंने कुछ शूट नहीं किया। अभी हनी तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गई हूँ। हनी दिखाओ मम्मा को। हाँ। अनमोल तैयार हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं टुंडला दादी के घर उनके यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि मेरा अब जाने का टाइम आ गया है घर वापसी। टैनी खड़ी हो जाओ, दिखाओ, खड़ी हो जाओ। हाय गाइस। चुबी भी रेडी हो गई है। बहुत भयंकर सा गर्मी हो गई, तो मैं तो मास्क लगाऊंगी, अपना चश्मा लगाऊंगी। बहुत भयंकर वाला गर्मी हो गया मेरे को ना, अंदर से ना ऐसा हो रहा है कि क्या बोलूँ मैं। सो बस मैं रेडी हूँ, बच्चे रेडी हैं, बस ये अनमोल तैयार हो जाए फिर हम लोग निकले। और धूप बहुत तेज है यार, बहुत तेज धूप है। कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ आ रही हो? आ रही हूँ। हनी को देखे है ना? अरे मैं कहाँ देखूँ, तैयार है मैं, नहीं देखी हो? चुपचाप कर, सुना कर, नहीं मारूंगी बहुत तेज। धूप ना ऐसा खाने को बैठी। ये देखो, ये अपना इसमें नेक्स्ट बनाया, नेस्ट बनाया है इसने, नेक्स्ट कह रही हूँ। हमने ना ये कपड़ा ऐसे लगा दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट ये यहीं बनाती है हर बारी, और हर बारी इसके ना बच्चे गिर जाते हैं, वो अंडे गिर जाते हैं, तो अगर गिरें तो इसमें गिरें। नहा धो लिया, 11 अप्रोक्स बनने को आ गए हैं। मैं रेडी हुई, मैंने ये डाला है, जींस डाली है, और बस तैयार। अब दो तीन सोचो, एक रील तो बना ही लूँ है ना, कानों में पहनना था मेरे को, मेरा ना कान ये वाला ना थोड़ा सा परेशान कर रहा था, तो मैंने उतार दिए थे। बहुत गर्मी है, खा रही है गर्मी। चलो देखते हैं, जो भी होगा मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगी पूरी। बड़ी नानी है क्या? बड़ी नानी है क्या? कहाँ लग गई बड़ी नानी? टांग टूट गई, कहाँ लगी है? हाय राम, पैर कैसे रहे हैं? पूरी टांग ये का रही, लली गिर गिर
हाय राम, खोल दे खोल दे, गेट खोल दे। अरे कोई नहीं आ रही, गेट खोल दे। बाप रे बाप, पैर है कैसे गए तुम्हारे, लगी कहाँ है? जी पूरी जी लग रही टांग में, सॉरी बहुत परेशान हूँ मैं। बैठ ही रहा हूँ, क्यों घूम रहे हो आप? मम्मा की चप्पल पहन के घूम रहे थे, नंगे पैर रहते नहीं हो आप। देख लो अम्मा, मेरी चप्पल पहन के घूम रहे थे, जूता पहने नहीं है। काहे बड़ी नानी, काहे बड़ी नानी, काहे बड़ी नानी, अनमोल पहना रहे इधर बैठा के शूज। गुड मॉर्निंग अनी, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, क्यों ऐसे कर ले हो? गुड मॉर्निंग, क्या हो गया, क्या हो गया बेबी? ला, अरे दीदी को लग गई, दीदी दीदी है उधर, सॉरी दीदी, आधा आधा फिर जीत। अच्छा 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 अच्छा, थप्पड़ पड़ेगा ना, अभी सारी गुस्सा हट जाएगी। गंदा बेबी, हनी गंदा बेबी, गंदा बेबी कौन है? हनी गंदा बेबी। हनी गंदा बेबी, गंदू गंदू, गंदा बेबी, गंदा बेबी। गंदा बेबी, गंदा बेबी, जाने अंडा दे दे, घोसला को गरम, अंडा को गरम कर रही है, बैठी है वहीं पे बिना डरे। हाँ बनाने अंडा दे दूंगी, गरम कर रही होगी। हाँ बोड़ेगी नहीं, अब लटक गया ना, अब अंडा गिरू ना जाए आगे। जल्दबाजी में ना हौच-पौच को बनाओ घोसला, एक ही दिन में मेहनत करके बता, सुबह तक बिल्कुल ना हो, शाम तक पूरा कितना सारा है वो। Hey guys, so, आगे वीडियो शूट नहीं कर पाई थी वहाँ से आने के बाद, क्योंकि और भी जगह गई थी मैं, और वहाँ से प्लान, अब जाने का टाइम आ गया है ना, तो प्लान ऐसे ही बन रहे हैं। ये जो भी मैंने बर्ड्स आपको दिखा, बर्ड जो आपको दिखाई, इसने एक दिन में पूरा अपना ये नेस्ट जो है वो तैयार कर लिया। और एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करती है, मतलब अब इसको कल ना टहनी इसको डरा रही होगी, मैं तो नीचे थी मेरे को नहीं पता, अभी पता चला है टहनी इसको डरा रही थी, ये नहीं उड़ी। मतलब यार माँ अपने बच्चों के लिए कितना कर रही है, आई थिंक इसने एग दे दिए हैं तो इसको ना उसको ये हीट कर रही है, और इसी वजह से इसने एक ही दिन में मेहनत करके इतनी लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक दिन में इसने पूरा जो है कम्प्लीट कर लिया था।
और ये दे रही है। हमने कपड़ा लगा दिया ताकि इसके बच्चे अंडे गिरे, हर बार यहीं बनाती है और यहीं इसके बच्चे अंडे ना गिर जाते हैं। ऐसे पहले इसने बाथरूम में हैंगर टंगे हुए थे उस पर बनाया था, तब गिर गए। बेचारी के साथ यही होता, फिर यहाँ पे बनाती है ऑल द टाइम, मतलब जब भी बनाने होते हैं। और ये पेयर है, इसके साथ में एक और रहती है जो भी है वो भी है, पर अब वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ यही दिख रही है। आई थिंक ये हीट कर रही है, वो खाना पीना लेके आता होगा जो भी है। यार एक माँ कितना कुछ करती है, कितना कुछ दिखाती है, कितना कुछ मतलब बच्चों के लिए करती है, ये तो पता चल जाता है आजकल। बट आजकल कुछ कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही है ना, देख के समझ नहीं आ रहा यार ये सच में। हमारे 4-4 साल के बच्चों को काट दिया, फेंक दिया खुद की सगी माओ ने, यार टू मच। सो अभी सिंपल तो चली गई अपने घर और रह गई हूँ मैं, मेरा भी जाने का टाइम आ गया है। कुछ दिनों बाद आपको मैं भी वहीं दिखूँगी, और कुछ ऐसा है नहीं है स्पेशल यहाँ पे, कुछ ऐसा ना मिलता नहीं है मेरे को व्लॉग बनाने के लिए, तो मैं बनाती नहीं हूँ। और फिर मेरे को ना बड़ा, जैसे हम काम वाम करते हैं तो एक अपने घर में ना रूटीन पैटर्न बना होता है कि हमें ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। यहाँ पे ना मेरे को काम ऐसा होता नहीं है ज़्यादा, किचन विचन का तो कुछ, तो मेरे को ना वो रहता नहीं है कि मैं क्या बनाऊँ, क्या शूट करूँ, क्या नहीं करूँ, मैं कर नहीं पाती हूँ ज़्यादा कुछ। दादी के घर गए थे, उनके पैर में लग गया था तो उनको देखने के लिए चले गए थे, और घूमना भी था, अब जा रहे थे, तो मैंने कहा एक बार चलो घूम आती हूँ। वो अकेली रहती है वहीं पे, उनका मन यहाँ पे ज़्यादा लगता नहीं, उनका वहीं लगता है, क्योंकि शुरू से वो वहीं रही है ना। और जिस इंसान को जैसी आदत पड़ जाए ना वैसी आदत हो जाती है। अब जैसे मैं यहाँ रहती हूँ तो यहाँ पे मेरे को बाहर में देखने को उतना मिल जाता है, अपने घर में जब मैं जाती हूँ तो अपने घर में मेरे को मतलब क्या है, वहाँ पे मैं जाती नहीं कहीं पे भी ज़्यादा, अंदर ही रहना, काम है तो जाती हूँ, मतलब जितना काम है सिर्फ उतना बाहर, नहीं तो मैं बाहर निकलना ही नहीं है वहाँ पे। पूरा दिन कब घर में निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वहाँ घर सब कुछ है, यहाँ पे भी घर ही है, बाहर में निकल जाओ घूमे आओ यहाँ पे ही है। तो हर जगह का एक अलग ही तरीका होता है रहने का, करने का, इंसान का नहीं होता है लेकिन कहते हैं कि जगह का, माहौल का वो होता है। यहाँ पे लोग जैसे रहते हैं हम लोग वैसे रहते हैं, वहाँ पे जैसे रहते हैं हम वैसे रहते हैं। सो आज अनमोल भी चला जाएगा, आज 31st है ये चला जाएगा, कुछ दिनों में मैं चले जाऊँगी, सब चले जाएंगे, मम्मी का घर खाली हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा यहाँ पे, सिर्फ मम्मी पापा रह जाएंगे अकेले, सब गए खत्म। सो ऐसा ही होता है, दिन निकलते जाते हैं। और देखो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं आई थी और अब हो गया, और टेनी का कल से स्कूल भी स्टार्ट हो गया है। अभी हमारा वेटिंग का कंफर्म हुआ नहीं है, कल से स्कूल है। और देखो अगर वेटिंग कंफर्म नहीं होगा फिर तत्काल काटी जाएगी, क्या होगा मुझे नहीं पता, कह तो दिया कि तत्काल वो क्या बोलते हैं वेटिंग हो जाएगा कन्फर्म, अब देखते हैं होता है क्या होता है कैसे होता है। और इसका कल से स्कूल है, उसका कॉपी का वो सारा कुछ आ गया है, ये कॉपी लेके आनी है, अब देखते हैं जो होमवर्क करा देंगे वो मेरे को कराना पड़ेगा उसको सारा। सो चलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं, या कुछ भी होगा तो मैं इंक्लूड कर दूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।